अपने शहर और आसपास की खबरें पाने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी वाले बटन को दबाएं। अमृतसर पुलिस कमिश्नर के दिशा निर्देशों के अनुसार थाना रंजीत एवेन्यू की पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में नाके के दौरान एक बुलेरो सफ़ेद रंग की गाड़ी को रुकने का इशारा किया तो आरोपियों ने गाड़ी को भगाने की कोशिश की जिससे गाड़ी बंद हो गई, जिसमें से दो युवकों ने गाड़ी से निकलकर भागने की कोशिश की और पुलिस पर गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिस पर पुलिस पार्टी ने अपना बचाव करते हुए एक दोषी को काबू कर लिया और दूसरा रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए भाग निकला। एक कल हाउसिंग बोर्ड स्पेशल नाकाबंदी करके वहाँ की चैकिंग कर रहे थे तो वाऊ जिम वाली साइड तो एक बलैरो गड्डी आती दिखाई दी, जिसन चक की बनाह से रोक के चैक कर लगे तो उस दो नौजवान उतरे तो एक जरा कोई लत तो थोड़ा गोली होया इन्हें पुलिस पार्टी से मार देने की नीयत नाल फायर किए तो जिन्हों उ मौके पर काबू किया गया तो इस को एक पिस्तौल नजायज तो चार राउंड बरामद होए तो बाद गड्डी की तलाशी करने ते गड्डी विचों 705 नशीलियां गोलियां बरामद हुई हैं। इन्हां ते दो वक् वक् मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो इहदा जिहड़ा दूसरा साथी भज गया उहदी भाल लई भी जिहड़े रेड किए जा रहे हैं, जो तफ्तीश दौरान पता लगा कि इस दे खिलाफ पहला भी कई थाणियां च वक् वक् मुकदमे दर्ज आ जिन्हां दे विच ए पीओ आ ते उन्हां थाणियां तों भी सारा दा रिकॉर्ड हासिल किया जाऊगा ते फरदर होर तफ्तीश दौरान अहम खुलासे जिहड़े भी होणगे उन्होंने प्राप्त की जाएगी। एनकाउंटर अमृतसर से जतिन की रिपोर्ट।